again. Yeah! तेरी उम्र च मैं घर 3 बजे आना हा ते तू 10 बजे आके मैं मुंह महान सॉरी अबू जी आइंदा मैं जल्दी आऊंगा पागल है ना नु रोशन करना प्यो दा क्या बुजी क्या बात कर रहा ओ पागला पूरा मोहल्ला तेरे प्यो नु जानदा सी 4 बजे तो पहले तेरा प्यो घर नहीं सी आंदा ते तू जे आज तो बाद तू छेती घर आया तू घर दे कागजा च भी फर्क है ते बेफाम तू भी फर्क है चल मेरा पुत्र छुट्टी कर कोई मसला नहीं अबू जी आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आप 3 बजे कह रहे मैं पूरे 4 बजे घर आऊंगा टेंशन ना ले आप चंगी उलाद मजे मजे अली पुत्र है जी मामा अच्छा रैक तो नहीं है कुछ चला क्या अच्छा ला दे ये ले मामा लाओ ये तो मिर्ची है मैंने तुम्हें धनिया बोला था ला मैं चेंज करके ला देता हूँ नहीं नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही कह रही थी चलो कोई बात नहीं आज हम मिर्ची यूज कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम जाओ शाबाश आज तो कृष्ण ही हो गया और यार वो सर है ऐसा अली जी अबू ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਡੇਗੀ ਦੋਸਤ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਾਉਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਲੜਕਾ ਹਜ਼ਰ ਬੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਬਈ ਆ ਤੇ ਵਾਕੇ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਟ ਪਾਏਗਾ ਆ ਫਰਮੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਸਾ ਤੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5-5 ਕੁੜੀਆਂ ਫਸਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ ਅਬੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ 2 ਆਂਟੀਆਂ ਫਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ 2 ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 3-3 ਦੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹਲੇ ਮੈਂ 3 ਕੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹਲੇ 1 ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਇਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬੂ ਜੀ ਓਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅੱਬੂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਵੇ ਪੂਰੇ 2500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਟਾਂ ਭਾਲ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਣ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਟਾਂ ਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਪਾਪਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ मोबाइल यूज करने से कौन सा बिल आता है मोबाइल यूज करेगा तो बैटरी घट होएगी बैटरी घट होएगी तो चार्जिंग लाएगा चार्जिंग लाएगा तो फिर बिल बहुत आएगा ऐसे तो सब तो बड़ा मसला है बंद कर दूं अच्छा पापा जी ओए जी अबू जी मैं हूं की पे करना है अबू जी पढ़ो मेरा सुबह पेपर है 3 घंटे हो गए तू पढ़ने है बस करते बहुत हो गया अन्य पढ़ाई बहुत होती है अबू जी लोग तो 8-8 घंटे पढ़ते हैं मुझे तो अभी फिर भी 3 घंटे हुए हैं और मैंने ना इस दफा इंशाल्लाह बहुत सारी मेहनत करके फर्स्ट आना है और तू क्या करना है फर्स्ट आके हमें खर्चे बता रहे नहीं अबू जी अब फर्स्ट आने से कौन से खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे असल खर्चे ही तू होने ने जो तो फर्स्ट आना है तेरे रिश्तेदारा ने मिठाई दो फिर तू तेरे जो चवल यार ने मुझे ट्रीट दे दो ते ट्रीट दे पैसे कितने आने ने तेरे प्यो को अच्छा अबू जी नहीं पड़ता गुड हो गया हूं गुड हो गया
पुत्र जी अबू जी पुत्र देव कितने ही जी अबू जी मैं इधर हूँ ते शुमेला शुमेला भी अबू जी इधर ही है ते तेरी माँ अबू जी सब यहाँ हैं आप परेशान ना हो पुत्र जो सारे इत्थे ने ते सामने कमरे का पखा क्यों चलदा पिया बंद कर सू इन्ना गल्ला दी वजह तो मैं बीमार हूं मामा देखे मैंने न्यू शर्ट ली है कैसी है हाँ पर कितने दिन आ गए हैं 5000 की 5000 की शर्ट है देखिए 5000 लगी है ओहो मामा आपको पता पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड की शर्ट है ठट्टे से स्वाप ब्रांड है यह जो शर्ट आप बाजार के बाहर रेडी तक लगे होंगे है तू चंगा तो मेरे ना जाना मैं तेन ऐस तू चंगी शर्ट 100 रुपए के बेच ला लेनी जान बुझ के प्यो के पैसे आराम कर है बगैर ता ओहो मामा गलती हो गया आपसे बात करके भी आप भी पुराने जमाने की औरतों की तरह ही हैं मैं जाके अब्बू को दिखा लेता हूँ अब्बू चेक करें मैंने न्यू शर्ट ली है की क्या आई अब्बू जी मैंने नई शर्ट ली है ओ हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ तो फिर कैसी लग रही है ओ वो पुत्र बहुत सोहनी लग रही है बहुत सोहनी लग रही है पूरा शहजादा लग रहा है मेरा बस बोल दे चल हूं दफा यार मैं टीवी देख दे अम्मी मेरी पैकिंग हो गई मैं ना कल जा रहा हूं घूमने फिरने कोई जरूरत नहीं किधर जाने मौसम देखे ना कितने खराब होने ने अम्मी सब जाते हैं ड्रामे बाजे लगाए मेरे साथ अच्छा कितने जाने की सोच रही है मैं जा रहा हूँ नॉर्दर्न एरियाज में वहां पहाड़ों का बहुत ही अच्छा व्यू आएगा नॉर्दर्न एरिया खबरदार तू उसे जान ना लिया वो तो पहाड़ी ऊपर डिग डुग गया था फिर और मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा हूँ मुझे पता है वहां पर जाना रिस्की है इसलिए हम नॉर्दर्न एरिया में नहीं हम तो कराची जा रहे हैं उत्तर कराची तो बिल्कुल नहीं जाना उत्थे भी समंदर तू ही एक दुनिया धक्का मारा कोई मर मुर गया तो फिर हेलो यार मैं नहीं आ रहा मेरे घर के कहने मैं ट्रिप पर गया किसी की मौत आई जानी है मम्मी जी जी आया नू आ गया मेरा पुत्र अम्मी जी ये पकड़े अब आए से मैंने कोई काम नहीं करना बैठ आपको पता है इतनी गर्मी है आंदे सारे मैं सलाह छिया मैंने नहीं पता जाके अपने प्यो ना गल कर अजीब जिंदगी यार ना बाहर का मूल आंदा ना घर का मूल आंदा कुत्ते वाली इज्जत है अपनी अबू जी जी पुत्र जी सलाम तुहाडे प्यो ने लैनी है सलाम अबू जी वालेकुम सलाम अज तू घर बढ़ने तो सलाम लिया कर पूरे घर के सलामती होंगी नैक्सट टाइम नहीं होगा दस की गल है अबू जी रोज रोज के काम मुझसे नहीं होते रोज रोज का तेरा कोई ना कोई मसला छिड़े ही रहता है हूं क्या मसला हो गया हूं क्यों काम नहीं करने अबू जी गर्मी भरी होंगी अज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी सी तो पुत्र नहा दो के नंगे बाहर डर जाया कर ताकि तेन गर्मी ना लगे हूं वेखो ना अबू जी सुबह सुबह उठ के मैं नहाता वहां अमी नाल मेनू कहे तो नाल लैके आ फिर मैं नाल लैके आया वहां फिर कहने चने भी लैके आ भले पहले नहीं मैं एक चीज दस सकते हूं बार बार मैंने कहते ए कर कभी फलान कर फिर टीम कर तो पूरा दिन मेरी एनजी तो रल बंद रहता है गर्मी ना मेरा भैरा हाल हो जाता मैं कोई नहीं हूं आई काम करने को चल ठीक है पुत्र तू मेरा बड़ा सोहना पुत्र है मैं कोई ना कोई हल कड़ना इस गर्मी का भी ठहर जा अच्छा गल सुन जरा मैनू कैप्टन की एक डब्बी तो लिया दे अबू जी मैंने अभी आपको बताया बाहर इतनी गर्मी है की मतलब हूं बुढ़े वाले मैं आप जाके दुकान तो कैप्टन दी डब्बियां ढोता फिरा लोग की कहने जवान पुत्र जो होते हैं प्यो सली लोन डे अच्छा यार ला देता हूं वैसे ना प्यो होंदा एक फायदा तो है ना औलाद जेड़ा ना डर च बड़ी रहती है सुआद च यार वाह जी वाह अंदर तो बड़ा माहौल बनाया तुसी हाँ मी आपको तो पता है बाहर कितनी गर्मी है तो मैंने थोड़ा सा फोन यूज करना था तो मैंने कहा चलो जरा एसी लगा ले ये बहुत अच्छा किया आपने वाटा में तो आपके मामू लगे हुए हैं ना है अम्मी आपने तो कभी बताया नहीं मामू वापटा में होते हैं हाँ हाँ पुत्र है मामू तेरे वापटा चो बकवास ना कर तू बंद कर अम्मी क्या हो गया आपको एकदम
तेनू नहीं पता क्या हो गया आपको, बिल तेरे प्यो ने देना है। अम्मी अभी अभी तो लगाया 5 मिनट तो हुए हैं। 5 मिनट तो लग जाए ठंडा होने ते, आधा घंटा हो गया तू अंदर आके बैठा, मैं बाहर किचन दे विच काम कर रहा ते कि मैनू पता नहीं लगता। अम्मी जी पूरे दिन का मैं काम कर रहा था, अभी आके थोड़ा सा आराम करने लगा, तू क्या हो गया? एडी केरी मेहनत मजदूरी ही तेरे तो करवाना, वो सच मजदूरी तो याद आया, पानी भर के लिया ही नहीं? अम्मी जी त्यों तेरे प्यो ने भर के लिया, चल उठ जाके पानी भर के लिया। अच्छा अम्मी जी जाता हूँ। लड़कों की भी क्या जिंदगी होती है, सर्दियों में सिलेंडर भर लो, गर्मियों में पानी भर लो। ओया दरवाजा तो बंद कर जा। अच्छा अम्मी जी, मैं कहूँगा ऐसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टच कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।